अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब सही से ज़्यादा सही के टाइम में लोग काम में मशगूल होते हैं। हमारे मैं कबाब बना रही हूँ, मामा रोटी बना रही हैं और अलबर जैसा खान लगा रहा। ये चाय का पानी है, वो बने हुए कबाब हैं जो ब्लर हो गए हैं और अब इन पर लाइट नहीं पड़ी, और अब लाइट पड़ी है तो ब्लर है। क्या बात है, और ये ऑमलेट का सामान कटा हुआ। और अभी सारा कुछ अब हमारे लिए आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। और मैं पराठे भी लाए हूँ बड़े प्यारे, खा के बताएंगे हैं कैसे। तो अब हम आपसे मिलते हैं दस्तरखान पर। वह पानी भर रहे हैं और ये मिन्हा पराठे लेके जा रही है, और शबी मामा बस ऐसी ये पानी, ये पराठे आए बहुत प्यारे। हम आपको जो मैंने बनाए एक है, एक है आलू कीमा, आलू का कीमा कैसे आप सभी लोग देखिए ना, देख गलत था हमारी, ठीक है जल्दी आओ भैया, बाबा को जल्दी से दे दो भाई, नींद में है वो। और जिस सहरी के बाद बच्चे जो हैं वो मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सिपारा पढ़ते हैं। और जिस दिन से मिन्हा की रोज़ा कुछ आई हुई है, मिन्हा ने कायदा शुरू किया, तो मैंने सोचा आज वीडियो ही बना लूँ। सा चलो पढ़ो। अलेफ अलेफ मा सा, उसे देखो दो डॉट्स हैं उस पर। ता सा सा। 10 hours later आ चुके हैं किचन में। किचन में कंदील बना रही है आज अफ्तारी, और अफ्तारी में बना रही है चिकन मंचूरियन, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो अब दो तीन दिन जो है ना, क्योंकि आज ज़रबत का दिन था मौला अली का, तो तीन दिन ना पकोड़े बनेंगे ना कोई फ्राइड आइटम्स बनेंगे, कढ़ाई नहीं रखी जाएगी, ठीक है, कोई भी पकवान नहीं पकेगा। तो चावल बनेंगे उबले हुए और उसके साथ बस ये मंचूरियन बना लेगी। तो आज का खाना ये होगा, इसी से रोज़ा खुलेगा। साथ हमारा गोला गंडा बना रहा है शरबत, एन ज़मीन पे रख कर जो है ना इसने शरबत बना रहा था। मिन्हा वो छोटा है, चम्मच चाहिए बड़ा, ये बड़ा नहीं है, रुको मैं देती हूँ। और ये जी चम्मच ले लिया हमारे गोले गंडे ने, इसके अंदर ना चीनी भी थी और आपने फिर शरबत इतना सारा डाल दिया। अब ऐसा करना, जग छोड़ कर इसके अंदर दूसरा पानी डालना, हंसो मत। चलो उठो, ऊपर खड़ी हो, चखना पलेगा, आज लोजा नहीं है इसका, दो लोजे रख लिए इस चखना पलेगा ने। कहने में चिल्ला चाहिए तो इसे किस पे कर दो है, नसीब हो। सूरह यासीन और सूरह वाकया के अमाल अंजाम दिए हम, ये असकार बीबी उम्मुल बनीन की खिदमत में हदिया करते हैं। या अल्लाह, तो जो आस्था इमाम अली और आपके बच्चों का और अपनी कुव्वत और ताकत का हमें रिस्क हलाल से नवाज, हमारे रिस्क में फरावानी हो, रोजगार के बेहतरीन मौके मुहैया हैं, हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें हैं दूर हो जाएँ, हमारे घरों में खैर और आफियत हो, बीमारों को सेहत कामला आजला नसीब हो, सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। खसूसी दुआ के हज़रत अब्बास अलमदार के सबके से बे औलादों को नेक औलाद अता फरमाए, और हमारे गुनाह ने सबीरा और कबीरा को माफ़ फरमाए, और तौबा कबूल हो, नजर बदरासदीन के शर से महफूज, हमें अपने वक्त के नाजरीन में शुमार फरमाए, नासरीन में शुमार फरमाए, और इमाम ज़माना अजरुल्लाह फरजुल शरीफ के ज़हूर में ताजी फरमाए, हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। एक सूरह फातिहा। और इन्हीं दुआओं के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।